वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइज आपने अभी तक अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थाट से इफ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज़ रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाओ हो उस चीज़ के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज़ गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रीसेंट जो है वो इस संडे 11 एम पे होने वाला है अन एकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फ़ायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे कि सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इसकास्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी, भी आपने कोड एम ही यूज़ करना है आप जी प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम ठीक 2021 है 2021-22 23 सबके ये लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पर सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये एक पिक्चर है असेंबली से वॉकआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजोरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पर सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोंडुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ओवर ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे ख़त्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ड की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन कैटेगरी में आता है आई सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वन ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रलिम्स के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसे करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टेबलिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रॉबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेज कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शनस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेटरीट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पर है और मेम्बर कंट्रीज इसमें थर्टी सेवन इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे सेक्ट्रा एसेकट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाया कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैक्नोइल लॉ की ज़रूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज़ करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्थ दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ़ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलेंट वेयर माइनिंग सिक्योरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहां पर नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि re रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक आ, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेकर 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने कि जो पीनल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यू के वहाँ पर यह ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज़ इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लव के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं अन का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आप अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी का में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम पी एस यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हज़ार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफ़िक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पुंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इंपैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने ख़राब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक like, कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ओवरऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे ख़त्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी एट मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए ले लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा परडस क्या होता है पेंथेरा परडस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन रेबर कैटेगरी में आता है आई सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से Uh, जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज़ की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म तो तो को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रियट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने, अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एक्सेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन द एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वु डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्थ दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लवपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं अन का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन का में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम पी एस यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हजार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पुंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन रेबर कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज़ की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म तो तो को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रिएट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने, अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एक्सेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन द एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वु डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीजें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज़ करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लेपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का, आने का आने में स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम पी एस यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हज़ार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन रेबर कैटेगरी में आता है आई सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज़ जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया तो तो टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रियट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एसेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वु डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्थ दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो फर्स्ट अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल रिप्लेस अंडर माइनिंग ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लेपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रीज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम ही यूज़ करना है आप जी प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम ठीक है दो हज़ार इक्कीस बाईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफ़िक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तर ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन रेबर कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से Uh, जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया तो तो टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रियट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एक्सेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नीबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लेपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रीज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम ही यूज़ करना है आप जी प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम ठीक है दो हज़ार इक्कीस बाईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन रेबर कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया तो तो टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रियट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेकट्रा एसेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज़ करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लेपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रीज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अन में लेट स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने कोड एम ही यूज़ करना है आप जी प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम ठीक है दो हज़ार इक्कीस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए एंड अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज़ जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री गं आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रिएट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एक्सेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आजाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश स्टेट ऑफ मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो फर्स्ट अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज़ करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लवपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रीज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का में स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपने कोड एम यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हजार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजोरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे ख़त्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस एकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज़ जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रलम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉबिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिबिलिटीज की ये पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज़ किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ के पास, पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ एफ पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रिएट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पे है और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 सेवन है इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एक्सेट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नीबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको ट्राई मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आजाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश स्टेट ऑफ मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वु डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ इन ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक आ, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लवपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस विच यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का में स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अन अकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपने कोड एम यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हजार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजोरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे ख़त्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रलिम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ ए टी एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथोरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में भी कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब यह होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रोबिलिटीज टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रॉबिबिलिटीज की यह पैसा जो है टेररिज्म को फंडिंग में यूज किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें यह प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेज की अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज़ करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ ए के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ ए पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रिएट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पर है और मेम्बर कंट्रीज इसमें थर्टी सेवन इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा तो यस इंडिया इज द मेंबर ऑफ एफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे सेक्ट्रा एस और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स ख़ुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सडिशन लाइज इफेक, इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं एडिटोरियल के ऊपर सेडिशन जो है ना सेवेंटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए उन्होंने सेडिशन लॉ को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन 124 ए ऑफ़ आईपीसी 1870 बाय ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको आ, ट्रा मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाए कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइन लॉ की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करेंगे तो क्या मतलब है बट इन दी एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश स्टेट ऑफ मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवर थ्रो ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल टू वॉज री राइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि नाइनटीन फिफ्टी में कॉन्ट्रोवर्सी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे नाइनटीन टू के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रि रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, दिस्टर्थ है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक आ, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पे मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सेडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज़ करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लप के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज़ के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज़ एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हूँ प्लेनरी बॉडी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी फिर हमने ईरान आई वाली देखी है तो कल भी देखा था देन हमने कुछ एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये वाला आप लोग खुद से पढ़ेगा क्योंकि ये हमने कर रखा है वही चीज़ लिखी हुई है ये वाला आप रीड कर सकते हो एंड ये एडिटोरियल मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है सडिशन के बारे में हमने जाना सडिशन लॉ के बारे में जानना हमने इसकी हिस्ट्री जानी हमने ये जाना कि पहला इंसान कौन था जिसको इसमें ट्रायल किया गया था प्रोसिक्यूट किया गया था हमने ये भी देखा क्यों सडिशन लॉ जो है उसकी ख़त्म करने की बात आती है समय समय पर और क्यों सडिशन लॉ के ऊपर जो है क्वेश्चन रीज होते हैं बार बार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से हमने ये लिया है यूके से उन्होंने भैया इसको ख़त्म कर दिया है तो ये ऑलरेडी आप बात समझ गए होंगे लास्ट में अगर आप प्लान कर रहे हैं हैंडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो दिस इज माई कोड एम पी एस यू हैव टू यूज और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कुछ भी लें आपने ये कोड याद रखना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है ठीक है अभी आपको आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वंस अगेन स्वागत है आप सभी का में स्टार्ट टूडे सेशन अगर गाइस आपने अभी तक अनकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं आज का जो हमारा दिन है उसकी हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन थॉट से इफ़ यू ड्रीम इट बिलीव इन इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त करना है लाइफ में अगर आपको लगता है कि समथिंग मीन समथिंग इज रियली रियली मीन फॉर यू मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चाहे फिर वो यूपीएससी का आपका सपना हो चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो चाहे वो लाइफ में आपका कोई और पढ़ाव हो उस चीज के लिए हंड्रेड परसेंट शिद्दत से लग जाइए मेहनत करिए यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट नो वन इज गोइंग टू कम कि भैया मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे पूरे करके दे देता हूँ आपने सपने देखे हैं तो भैया पूरे भी आपने ही करने हैं इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग ये मुझे नहीं पता है चाहिए इसको डाउनलोड करिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज की प्रतियोगिता भी चलती रहती है जिसका रिसेंट जो है वो इस संडे ग्यारह एम पे होने वाला है अनएकेडमी कॉम्बैट जाओ इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाने की कोशिश करो उसका फायदा लाभ उठाने की कोशिश करो गाइज अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप अनकेडमी का प्लस आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड एम पी एस अब आप कहोगे okay, सर ये कोड क्यों यूज़ करना है भाई ये जो कोर्स है <coughs> वो आपको इस कॉस्ट का पड़ता है ठीक है बट 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 अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो वो पूछ सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग लिख के चेक करा सकते हैं तो ये सारी चीज़ पॉसिबल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपने कोड एम यूज़ करना है आप जी एस प्लस ऑप्शनल का अगर कोर्स साथ लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ भी आपने कोड यूज़ करना है एम पी एस ठीक है दो हजार इक्कीस बाईस तेईस सबके लिए कोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ आगे लॉन्च होने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए अपने स्पेसिफिक फ़ायदेमंद कोई भी कोर्स में इनरोल करिए बात करते हैं मेरे को फॉलो करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप खोलिए वहाँ पे इस नाम को सर्च करिए एंड इसको फॉलो करिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं कल से ये क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं 8 ए एम पे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा अगर इस सेशन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी आपको मांगता है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा एट द रेट अन एकेडमी मानवेंद्र जहाँ से आपको इस सेशन की पी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो है कांग्रेस लेट गवर्नमेंट फॉल्स इन पोंडुचेरी तो पोंडुचेरी के अंदर देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के द्वारा जो वहाँ पे सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और इन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है मतलब ये पिक्चर है असेंबली से वर्कआउट करते हुए इनकी बट अभी हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं और इसके वजह से यहाँ पे सरकार जो है वो गिर गई है कांग्रेस की इसके पीछे इन्होंने बीजेपी को तरडाई ठहराया लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है पोण्डुचेरी के अंदर सरकार बनाने की इसके बाद जी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है फ्रॉम द चाइनीज साइड चाइना की सरकार ने चाइना के स्पुक पर्सन ने भारत के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स में ये अपनी बातें रखी हैं कि बॉर्डर क्राइसिस वोंट इम्पैक्ट मीट चाइना चाइना ने कहा है कि बॉर्डर की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ दूसरे रिलेशन अपने खराब नहीं करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब की पूरी उम्मीद है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंड हाफ है इस साल का जब ब्रिक्स की मीट होने वाली है भारत के अंदर फिजिकल मीट होने वाली है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो आएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही कंट्री के लिए अच्छा है दोनों ही कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड हों बड़े आगे बढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी ये किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है इसके बाद देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स ये दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोर्स लॉन्च किया गया है देशभक्ति कोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना देशभक्ति कोर्स कहाँ का है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस कोर्स के अंदर इनका ऐसा मानना है कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे लाइक कुछ थीम्स आप मान लो जैसे कि सेल्फ आप खुद को समझेंगे आप परिवार के बारे में जानेंगे आप स्कूल के बारे में जानेंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो इनका जो इसमें मतलब एक मोटिव है वो ये है कि ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इंसान का और जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश के अंदर उसे खत्म करना है तो ये देशभक्ति कोर्स जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था ठीक है और के जी मतलब समझते हो क्लास एट्थ तक ठीक है इक्कीस बाईस अकेडमिक सेशन से इसमें लागू हो जाएगा इसके बाद एक देखो लेपर्ड की न्यूज है बीटन टू दैट इन हसन आफ्टर इट अटैक पीपल ये अपने लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने लिए लेपर्ड के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक नेम इसका होता है पेंथेरा पर्डस क्या होता है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में आता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रेलिम्स में पूछे जा सकते हैं पूछे जाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में पेंथेरा पर्डस या फिर लेपार्ट की जो है वो एंट्री है अपेंडिक फर्स्ट ऑफ साइट्स में इसकी एंट्री है ये वन कैटेगरी में आता है आई यू सी एम रेड लिस्ट के और इसके नाइन सब स्पीसीज जो हैं वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं अराउंड अफ्रीका एंड एशिया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा पर्डस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में लिस्टेड है अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये लिस्टेड है और ये वनरेबर ही कैटेगरी में आता है आई रेड लिस्ट में इसके नाइन सब स्पीसीज हैं एशिया एंड अफ्रीका के अंदर ठीक है इसके बाद पाकिस्तान एक्शन टू बी रिव्यूड एफ एफ ए टी एफ प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी क्या है ये एफ ए टी एफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में तीन बार मिलती है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रलम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अगर आपसे पूछ लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ प्राइवेट बॉडी नॉन गवर्नमेंटल ऑथरिटी ऐसे ऐसा करके ना तो आप ध्यान रखना इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द जी समिट जी सेवन समिट जो पेरिस में हुआ था ऑब्जेक्टिव है एफ एफ का पूरे विश्व में से जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा यूज हो रहा है टेररिज्म फंडिंग जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग जो करके टेररिज्म को टेररिज्म को बढ़ाया जाता है इन सब पे रोक लगाना एफ में दो लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती है ब्लैक लिस्ट दोनों ही वैसे तो खराब होती है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री नहीं आना चाहता है कोई ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को पैसा दोगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉपिबिलिटीज़ टर्म सुनिएगा देर आर लॉट ऑफ प्रोबिलिटी है टेररिज्म को फंडिंग में यूज किया जाए वहीं पे आपका जो दूसरा वाला है ब्लैक लिस्ट इसमें ये प्रोबेबिलिटी टर्म भी हटा दो सीधे हो जाएगा कि देर आर uh, मतलब वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि भैया जो है प्रोबेबिलिटी नहीं देर आर हंड्रेड परसेंट चांसेस कि अगर आपने इस कंट्री को पैसा दे दिया तो ये कंट्री जो है भैया टेररिज्म को बढ़ाने में पैसा यूज करेगी तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट दोनों ही बेकार है थोड़ी सी हल्की होती है ग्रे लिस्ट हल्की मतलब थोड़ा सा इसका जो पनी मतलब इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिसका ब्लैक लिस्ट में नाम हो उसका तो पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर एफ के पास दो तीन ऑप्शन हैं जो देख सकती है एफ एफ पहला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दे ब्लैक लिस्ट से भी हटा दे पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें दोनों में से कुछ भी हो सकता है अभी देखो कुछ समय पहले आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारे टेररिस्ट को जेल डलवा रहा था तो क्या वो क्यों कर रहा है ऐसा वो इसीलिए कर रहा है कि वो एफ की इस लिस्ट से बाहर हो जाए ठीक है फिर सेक्रेट्रिएट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हैडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पर है और मेम्बर कंट्रीज इसमें थर्टी सेवन इंडिया जो है वो इसका मेंबर है ध्यान रखना अगर कोई पूछे एफएटीएफ का इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो जवाब होगा यस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ एफएटीएफ एफ की जो प्लेनरी बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये साल में तीन बार मिलती है ये स्टेटमेंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ है वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया है इसके बाद ईरान आई ए ई ए रीच डील ऑन इंस्पेक्शन देखो आई ई ए जो है वो ईरान के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है कि भैया ये न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ऐसे एसेट्रा एसेकट्रा और अगर ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा तभी जो है ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ पाएगी तो उसके लिए परमिशन फाइनली मिल चुकी है और ये कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं ठीक है अब एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप ये एडिटोरियल्स खुद पढ़िएगा ये वाला डीलिंग विद बिगर नेबर्स चाइना ये मैंने आपको वैसे इसी तरीके का चीज़ बता रखा है कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं निकले हैं यहाँ से ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है सेडिशन लाइज इन इफेक्ट नॉट इन कंटेंट देखो पहले तो सेडिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर आते हैं सेडिटोरियल के ऊपर सेडिशन जो है ना सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड जब हमारे देश में राज करते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करते थे तो भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने सेडिशन ला को लेके आया था जिससे कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दबा दिया जाए सेक्शन वन ट्वेंटी फोर एफ आई पी सी एटीन सेवेंटी बाई ब्रिटिशर्स इसको इंक्लूड किया गया था और फ्रीडम फाइटर्स को मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए सेडिशन लॉ का यूज करते थे पहला इंसान जिसको सेडिशन लॉ में भारतीय जो थे जिनको आ, मतलब प्रोसिक्यूट किया गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब बाल गंगाधर तिलक साहब को 1897 में इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया गया था महात्मा गांधी जी भी इसके अंदर जो है यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसके चलते हुए उन पर सेडिशन लगा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारे देश में कानून बना रही थी तो एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट हुआ था सेडिशन के ऊपर कि क्या सेडिशन को आगे रखना है कि नहीं रखना है देखो सेडिशन लाया कब गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारा देश आजाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कानून बना रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने सामने रखी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भैया अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इस तरीके के ड्रैकनोइल लॉज की जरूरत है क्या ये तो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए किया था अब हम आज़ाद होने के बाद भी अपने देश के लोगों को दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज़ करेंगे तो क्या मतलब है बट इन एंड जो है फिर आपको पता है कि सेडिशन लॉ को रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के अंदर भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास में सेडिशन लॉ के बारे में बात करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इट ऑल्सो हेल्थ डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स दिस डिसीजन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर आर्टिकल नाइनटीन टू वॉज रीराइट टू रिप्लेस अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ठीक है तो यह आपने देखा कि 1950 में किसी हुई सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मत जो है वो अलग था उसके बाद यहाँ पे 192 के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किए गए ठीक है एंड जो रिटर्न किया गया उसको रिप्लेस करते हुए लिखा गया अंडर माइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर फिर क्या हुआ एक केस आया केदारनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार 1962 के अंदर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑफ सेक्शन 124 ए को जो है वो देखा और उसको अपहेल्ड किया कि भैया सही है और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वायलेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो सकता है तो इन सब ग्राउंड पर अगर सरकार इसको यूज़ करती है तो चलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखनी फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह मस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ये कहा था कि ठीक है सडिशन लॉ इज ओके बट सिर्फ स्लोगनिंग करना जो है वो पब्लिक मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है और ये सडिशन में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखी अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये डिमांड उठती है कि सडिशन लॉ जो है वो रिपील हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें वैसे एडिटोरियल में भी लिखी हुई है वही यहाँ पर मैंने लिखी है तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि देखो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या सेडिशन में आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है मतलब ये जो रूलिंग सरकार है उसके हाथ में रहता है कि वो किस चीज़ को सडिशन में डाल दे अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जितने लोगों को सेडिशन लॉ में डाला गया है या यू में डाला गया है तो उसमें से देखने को आया कि जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम थी तो एज ए टूल भी यूज़ होता है सेडिशन लॉ नो डाउट दूसरी चीज डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधीज़ फिलोसफी दैट इट इज़ राइट टू डिसेंट राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है कि देखो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास सरकार के अलग जाने का मत होना चाहिए लेकिन अगर लोगों के मन में डर आ जाएगा कि अगर हम डिसेंट करेंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा हम पे ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पे वॉयलेट होते हुए नजर आएगा ठीक है जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो पीनल प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 124 ए है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है एंड ऑबनीसियस है और इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बट मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिटेंट असेंबली में काफ़ी हैवी डिमांड उठी थी कि ये जो लॉ है ये बंद हो जाना चाहिए बट कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे जहाँ से हमने ये लॉ लिया है यूके वहाँ पर ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो ये सब आप देख सकते हैं ये सब हम समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से एडिशन लॉ जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो दिस इज इट गाइस थोड़ा सा एडिटोरियल भी देख लो एडिटोरियल में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ये लॉ जो है वो क्यों रिलुक करने की ज़रूरत है और इसी को इन्होंने डिटेल में बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा पुण्डुचेरी में कांग्रेस की द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वो गिर चुकी है फिर हमने ब्रिक्स के बारे में देखा थोड़ा सा हमने ब्रिक्स के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये पड़ी कि चाइना जो है वो अब देश में आएगा भारत में आएगा विजिट करने के लिए जी जिनपिंग साहब आएंगे ये बहुत अच्छी बात है इसके बाद देशभक्ति कोर्स के बारे में देखा देन हमने लेपर्ड्स के बारे में देखा हमने देखा साइंटिफिक नेम है बेनफेरा पर्डस लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में हमने अपनडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स में भी ये है एंड हमने देखा ये वन लेबर कैटेगरी में है आयु रेड लिस्ट में फिर हमने एफ के बारे में पूरी डिटेल से देखा एफ की दोनों बॉडीज के बारे में देखा एफ के दोनों आ, उसके बारे में देखा लिस्ट के बारे में नॉट बॉडीज एफ के बारे में उसकी प्लेनरी बॉडी के बारे में साल में तीन बार मिलती हो